आज के समय में एक अच्छा लीडर बनना आसान काम नहीं है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो सभी देशवासियों को एक साथ लेकर चलता हो, लोगों में पॉपुलर हो, डिसीजन लेने में डरता ना हो, देश की रक्षा करने में सबसे आगे हो और देश को आगे बढ़ाने में भी सबसे आगे हो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट प्रधानमंत्री के बारे में, तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू, और अब आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहां पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको एडवांस एमएस एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ, और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस वीडियो में हम भारत के उन प्रधानमंत्रियों को स्ट्रॉन्ग और वीक पैरामीटर पर रैंक करेंगे जो लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हैं, डिसीजन टेकर हैं और कम से कम 5 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। एक बात और, इस वीडियो में किसी भी प्रधानमंत्री की पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले और टेन्योर वाइज भारत के अब तक के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू 16 साल 286 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। नेहरू जी से भारतीयों को बहुत उम्मीद थी क्योंकि वो भारत के फ्रीडम फाइटर थे, गांधी जी के फेवरेट माने जाते थे, इसीलिए लोगों को लगता था कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बनने लायक सही कैंडिडेट हैं। नेहरू जी ने अपने टेन्योर में बहुत से अच्छे काम किए, जैसे कि उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को चुना। जहां दुनिया 50s और 60s में बढ़ गई थी, वहीं नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत करी और कहा कि हम किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे, और नेहरू जी का ये डिसीजन आज भी भारत को बहुत फायदा देता है। ग्लोबल लेवल पे आज भी भारत किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनता है, और इसी चीज के चलते दुनिया भर के देशों को यह पता है कि भारत सही का साथ देता है और गलत के अगेंस्ट में खड़ा रहता है। भारत को डेमोक्रेटिक और सेक्युलर स्टेट बनाने में नेहरू जी का सबसे बड़ा योगदान था। भारत की यूनिफिकेशन में भी नेहरू जी का बहुत योगदान था। जमींदारी सिस्टम को हटाना, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ रूल्स बनाना, IIT, IIM, एम्स की स्थापना करना, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत से रिफॉर्म लाना, ये सब नेहरू जी के टेन्योर के कुछ अच्छे डिसीजन है। अब मिस्टेक की बात करते हैं। नेहरू जी की पहली गलती ये थी कि माउंटबेटन के कहने पर नेहरू जी कश्मीर इशू को यूएन में लेके चले गए, जबकि उस समय यूएन को भी बने सिर्फ 2-3 साल ही हुए थे। भारत चाहता तो वो मिलिट्री एक्शन के दम पे कश्मीर इशू को सॉल्व कर देता और कोई भी देश भारत पे आरोप नहीं लगा पाता, क्योंकि आजादी के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला किया था और उस समय कश्मीर के राजा ने भारत से मदद मांगी थी। अगर नेहरू हैदराबाद की तरह कश्मीर में भी मिलिट्री ऑपरेशन करते तो आज कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हो गया होता। दूसरी गलती नेहरू जी की ये थी कि उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सोशलिस्ट पॉलिसी अपनाई और भारत की अर्थव्यवस्था को कई सालों तक बंद रखा, जिसके चलते भारत 3 दशकों तक सिर्फ 4% की ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा था। नेहरू जी की तीसरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने चाइना पे कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया था। जब चाइना तिब्बत पे कब्जा कर रहा था तब नेहरू जी ने कुछ नहीं बोला। उसका परिणाम ये निकला कि 1962 में चाइना ने भारत पे हमला करके लद्दाख का कुछ हिस्सा छीन लिया, जिसको आज अक्साई चीन कहा जाता है। इसके अलावा नेहरू जी ने कभी भी वेपन को मॉडर्नाइज करने पे ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि भारत को 1962 का चीन युद्ध हारना पड़ा। तो नेहरू जी के कुछ गलत फैसलों को आज तक भारत झेल रहा है। जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री जी, पर फिर हार्ट अटैक होने से उनकी भी मृत्यु जल्दी हो गई। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी जी आई। जवाहरलाल नेहरू के जाने के बाद देश की सत्ता अगर किसी ने सबसे ज्यादा लंबे समय तक संभाली है तो वो इंदिरा गांधी जी हैं, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी जी भारत की 15 साल 350 दिन तक प्रधानमंत्री रही थी। इंदिरा गांधी जी की पॉपुलैरिटी आज भी इतनी ज्यादा है कि कांग्रेस आज तक इलेक्शन में इनका नाम भजाती है। कांग्रेस के जो कोर सपोर्टर हैं वो आज भी इंदिरा गांधी जी के नाम पे कांग्रेस को वोट करते हैं। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन ना हो तो आप एक बार अपने माता पिता से इंदिरा गांधी जी की पॉपुलैरिटी के बारे में पूछेगा और फिर देखिएगा क्या उत्तर मिलता है। इंदिरा गांधी जी पॉपुलर लीडर होने के साथ साथ डिसीजन टेकर भी थी। एक बार जो वो सोच लेती थी तो वो चीज वो करती थी। इंदिरा गांधी जी को नेशनलिस्ट लीडर भी कहा जाता है। इनके लिए भारत देश सबसे पहले था, इसीलिए आज भी आप देखोगे बीजेपी के लीडर्स कांग्रेस में सबको कुछ ना कुछ बोलते हैं, पर इंदिरा गांधी जी के बारे में ज्यादा उठपटांग कुछ नहीं बोलते, क्योंकि देश को लेकर उन्होंने बहुत से डिसीजन लिए, जैसे कि गरीबी हटाओ पॉलिसी, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध जीता, 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया, ऑपरेशन ब्लू स्टार किया। पर इंदिरा गांधी जी के कुछ डिसीजन बहुत खराब भी साबित हुए, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी को लेकर इनके फैसले बहुत खराब थे। जैसे कि इंदिरा गांधी जी बहुत बड़े लेवल पे चीजों को नेशनलाइज कर रही थी, बैंकों को नेशनलाइज कर रही थी, ट्रेड में रिस्ट्रिक्शंस लगा रही थी, लाइसेंस राज की स्थापना की थी, 1975 में इमरजेंसी ला दी थी। पर इन सब के बावजूद इंदिरा गांधी जी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा स्ट्रांग लीडर मानी जाती हैं।
इंदिरा गांधी जी के निधन के बाद देश की सत्ता संभालते हैं उनके बेटे राजीव गांधी। वैसे आपको एक बात बता दूं कि राजीव गांधी के समय में आखिरी बार कांग्रेस ने पूरे बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी। उसके बाद से अब तक जब भी कांग्रेस की सरकार बनी है वो गठबंधन की सरकार रही है। राजीव गांधी के टेन्योर की बात करें तो उन्होंने भी कुछ अच्छे फैसले लिए थे, जैसे कि 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस की थी और हायर एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया था। MTNL की स्थापना की, जगह जगह पे PCO लगाया, टेलीफोन नेटवर्क को देश भर में फैलाया। पर इन सब के बावजूद राजीव गांधी जी को भारत का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री माना गया, क्योंकि इनके समय में कश्मीर में इंसर्जेंसी की शुरुआत हो गई थी, कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था, बाबरी मस्जिद कांड भी इन्हीं के टेन्योर में हुआ, शाबानो एलिमनी केस में मुस्लिम वोट बैंक के कारण ये डिसीजन से पलट गए, वे मतलब श्रीलंका के सिविल वॉर में कूद गए, 1984 में हुए एंटी सिख रॉयट्स को इन्होंने कंडेम नहीं किया, भोपाल गैस ट्रेजेडी को बहुत ही बेकार तरीके से हैंडल किया, बोफोर्स स्कैंडल में फंस गए। तो इन सब चीजों के कारण राजीव गांधी भारत के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री साबित हुए। जहां 1984 के इलेक्शन में राजीव गांधी को 541 सीट में से 414 सीटें मिली थी, वही 1989 में सीट गिर के 197 हो गई थी, 217 सीटों की गिरावट देखने को मिली थी, जो भारत के इलेक्शन के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद भारत में पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिला। भारत में कई सालों तक गठबंधन की सरकार रही, पर फिर 1999 में पहली बार BJP की इलेक्शन में जीत होती है और अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत के स्ट्रांग लीडर्स में से एक माना जाता है। इनके अंडर ही BJP ने पहली बार देश में सरकार बनाई थी। फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, इन सब में वाजपेयी जी को महारत हासिल थी। इन्होंने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में बहुत मेहनत की थी। वाजपेयी जी को पता था कि अगर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो उसके लिए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग करना होगा। वाजपेयी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इन्वेस्ट किया, सागरमाला, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, PM ग्राम सड़क योजना, ये सब इन्हीं का आइडिया है। डिफेंस पॉलिसी को स्ट्रांग करने के लिए वाजपेयी जी ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया, फिर कारगिल में युद्ध जीता। फॉरेन पॉलिसी के तहत उन्होंने पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना से रिश्ते ठीक करने में बहुत जोर दिया। कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान ने वाजपेयी जी को कारगिल और 2001 में भारत के पार्लियामेंट में अटैक करके धोखा ना दिया होता तो आज भारत और पाकिस्तान के बीच रिलेशन बहुत अच्छे होते। इसके अलावा वाजपेयी जी ने एजुकेशन को बढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया। पर इन सबके बावजूद वाजपेयी जी 2004 का इलेक्शन हार जाते हैं। इलेक्शन हारने का एक मेन रीजन ये दिया जाता है कि 2002 के गुजरात रॉयट्स को वाजपेयी जी ने कंडेम नहीं किया था, जिसके चलते देश के सारे ऑपोजिशन एक साथ हो गए, जिसके बाद कांग्रेस ने 2004 में गठबंधन से अपनी सरकार बनाई और फिर 10 सालों तक भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने। वाजपेयी जी जितने भी स्ट्रांग लीडर थे पर वो पॉपुलर ज्यादा नहीं थे। अगर वाजपेयी जी पॉपुलर लीडर होते तो 2004 का इलेक्शन वो जीत जाते। उनके जाने के बाद लोगों को एहसास हुआ कि लोगों ने 2004 में कितनी बड़ी गलती की है, इसीलिए इनको मैं रैंकिंग में इंदिरा गांधी जी से पीछे रखूंगा। 2004 में कांग्रेस की सरकार बनती है और मनमोहन सिंह जी को देश का प्रधानमंत्री घोषित किया जाता है। मनमोहन सिंह जी के लिए हमेशा एक बात कही जाती है कि रॉन्ग मैन इन रॉन्ग पार्टी। अगर आप मनमोहन सिंह जी को कांग्रेस से अलग करके देखेंगे तो आपको एक समझदार इंसान देखने को मिलेगा जिसको इकोनॉमिक्स की बहुत नॉलेज है। 1991 में भारत जब फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था तब भारत में लाई गई मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म में इनका बहुत बड़ा योगदान था। 2009 में भारत में फिर से इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला, तब भी मनमोहन सिंह जी ने भारत को इस मुसीबत से बाहर निकाला था। मनमोहन सिंह जी के टेन्योर की कुछ पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करें तो उन्होंने सालों से रुकी भारत और अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर डील कंप्लीट की, मनरेगा स्कीम लॉन्च करी जो लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालने में बहुत फायदेमंद साबित हुई, ये स्कीम आज भी चल रही है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, इंट्रोड्यूसिंग VAT, फॉर्मुलेटिंग फ्रेमवर्क फॉर GST को इंट्रोड्यूस किया, भारत को 2007 में डबल डिजिट ग्रोथ रेट पे लेके गए, लाइसेंस राज को खत्म किया, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बड़े लेवल पे इंट्रोड्यूस किया। तो इकोनॉमिक पॉलिसी में मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे थे पर नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस पॉलिसी में वर्स्ट थे। इनके टेन्योर में भारत में बहुत टेरर अटैक देखने को मिला, 26/11 हुआ पर इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। इसके अलावा इनके टेन्योर में हर साल कोई ना कोई स्कैम हो रहा था जिसे मनमोहन सिंह जी रोक नहीं पा रहे थे, करप्शन बिल्कुल पीक पे पहुंच गया था। इनके समय में भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही वर्स्ट थी, इंटरनेशनल टूर पे समझ में नहीं आता था कि मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री हैं या सोनिया गांधी। और ये सारी बातें हम सबको पता है कि मनमोहन सिंह जी भले ही 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं पर उनके पास डिसीजन लेने की पावर नहीं थी। तो इनको मैं इंदिरा गांधी जी और वाजपेयी जी से नीचे रखूंगा और जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी से ऊपर रखूंगा। भारत में बढ़ते करप्शन और टेरर अटैक के चलते भारत को एक स्ट्रांग लीडर की जरूरत महसूस हो रही थी, जिसके चलते 2014 के इलेक्शन में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला। 2014 में नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और फिर मोदी जी ने धड़ाधड़ डिसीजन लेना स्टार्ट किया, जैसे कि GST,
डिमोनेटाइजेशन, रीडिजाइनिंग प्लानिंग कमीशन इनटू नीति आयोग, उज्ज्वला स्कीम, स्वच्छ भारत, जनधन योजना, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज, मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत, CAA, फार्म लॉस, PLI स्कीम, आत्मनिर्भर भारत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, आतंकवाद को रोकने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किए, आर्टिकल 370 को हटाया, भारत की फॉरेन पॉलिसी को इम्प्रूव किया, बहुत से देशों के साथ रिलेशन को मजबूत किया, फ्रांस, USA, इसराइल, सऊदी, UAE, रशिया सबसे रिलेशन बना के रखे, जिसका नतीजा ये निकला कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर कोई भी बड़ा देश भारत के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोला। पाकिस्तान हर प्लेटफॉर्म में कोशिश करता रह गया, पर उसे हर जगह मुंह की खानी पड़ी, जो कि भारत की मजबूत फॉरेन पॉलिसी का जीता जागता एग्जांपल है। तो नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी में मोदी जी बहुत आगे, पर इकोनॉमिक पॉलिसी में मोदी जी पीछे रह गए। मोदी जी के कुछ गलत डिसीजन के चलते देश की ग्रोथ रेट में गिरावट देखने को मिली है। जैसे कि मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन और GST 8 महीने के अंदर ही ला दी, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट देखने को मिली। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का मानना है कि BJP की दोनों पॉलिसी ठीक थी, पर अगर दोनों पॉलिसी के बीच टाइम ड्यूरेशन 3 साल का होता तो देश की ग्रोथ रेट में गिरावट देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा पेंडेमिक के समय में भारत की हेल्थ केयर सेक्टर में पुअर मैनेजमेंट देखने को मिली। हालांकि गलती यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की है, पर गलती तो गलती है। पर अच्छी बात यह है कि मोदी जी के पास अभी भी अपने सेकंड टेन्योर के 3 साल बचे हैं। अगर अगले 3 सालों में मोदी जी मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म लाते हैं तो फिर 2024 के इलेक्शन में मोदी जी आराम से तीसरी बार अपनी सरकार बना लेंगे, क्योंकि आज भी मोदी जी की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है। पिछले 2 सालों में भारत में हो रहे मूड ऑफ द नेशन पोल के सर्वे में मोदी जी को भारत का मोस्ट पॉपुलर लीडर माना गया है। देश के किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो वहां पे BJP का फेस मोदी जी रहते हैं। लोग आज भी BJP सरकार नहीं कहते हैं, मोदी सरकार कहते हैं। अभी आप वेस्ट बंगाल का इलेक्शन देख लो, भले ही ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन जीत गई, पर अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखोगे तो वेस्ट बंगाल में सबसे अच्छा प्रदर्शन BJP का है। 2016 में वेस्ट बंगाल में BJP की 3 सीट थी, वहीं 2021 में 73 सीट हो गई हैं। वो तो इस बार वेस्ट बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट फेल हो गई, वरना अगर ये पिछली बार जितनी सीट निकाल लेते तो फिर ममता बनर्जी को सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टीज के साथ गठबंधन करना पड़ता। तो इससे एक बात साफ समझ में आती है कि भले ही जो भी हो, मोदी जी की पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आई है। तो मेरे हिसाब से इस समय देश के सबसे स्ट्रांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उसके बाद इंदिरा गांधी जी हैं, थर्ड नंबर पे वाजपेयी जी हैं, फोर्थ पोजीशन पे मनमोहन सिंह जी हैं, फिफ्थ पोजीशन पे जवाहरलाल नेहरू हैं और लास्ट में राजीव गांधी जी हैं। जाते जाते एक बात और कहूंगा कि कोई भी लीडर 100% परफेक्ट नहीं होता है। कुछ डिसीजन वो गलत लेता है, कुछ डिसीजन वो सही लेता है, पर हमारी जिम्मेदारी ये बनती कि हम देश में उस लीडर को प्रधानमंत्री बनाएं जिसके पास फुल मेजोरिटी हो, क्योंकि फुल मेजोरिटी सरकार ना होने के कारण भारत 2 बार गोल्डन पीरियड मिस कर चुका है। एक बार 1990s में जहां दुनिया मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही थी, वहीं भारत में हर 2-3 सालों में प्रधानमंत्री बदल रहे थे। फिर उसके बाद भारत ने 2004 से 2014 के बीच एक गोल्डन पीरियड मिस किया, जहां इस समय दुनिया भर के देश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहे थे, वहीं भारत में टेरर अटैक और स्कैम पे स्कैम होते जा रहे थे। तो हमें भी अपनी पुरानी गलतियों से सीखने की जरूरत है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।